अलका में सलतज क्रीक के पार के गांवों में जहां खेतों में बारिश का पानी भर गया है, सरकार ने लोगों के साथ साथ जानवरों की भी मदद करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिन खेतों में पानी भर गया है वहां खड़े हरे चारे की कटाई संभव नहीं हो पाई है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के निर्देशानुसार पशुपालकों को हरा चारा लगातार मुहैया करवाया जा रहा है। यह जानकारी फाजिलका के विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवाना ने दी। उन्होंने अलग अलग गांवों में जाकर हरा चारा बांटा। जिला प्रशासन की ओर से जहां हरे चारे का वितरण किया जा रहा है, वहीं आसपास के कई अन्य गांवों से भी किसान मदद के लिए हरा चारा लेकर पहुंचे हैं। विधायक श्री नरेंद्र पाल सिंह सवाना ने विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से बातचीत की और उन्हें बताया कि सरकार इस कठिन समय में लोगों के साथ है और अधिकतम सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह खुद जहां प्रभावित गांवों में लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन की टीमें भी लगातार काम कर रही हैं। उधर उपायुक्त डॉक्टर सेनू दुक्कल ने कहा कि इन गांवों में पशुपालन विभाग की टीमें भी तैनात की गई है और साथ ही बीमार मवेशियों का इलाज किया जा रहा है। मवेशियों के इलाज के लिए तत्काल जरूरत के लिए दवा खरीदने के लिए सरकार की ओर से 50,000 रुपए भेजे गए थे, जिससे विभाग ने दवा खरीद कर क्षेत्र में भेज दी है, जबकि सरकार ने जिले को 50,000 रुपए और भेज दिए हैं दवा के लिए। गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ए पिंड बकैण वाला तो हड़ पीड़ता लई पठिया की सेवा, ये सारे सेवादार पठिया की सेवा करते हुए तो गड्डी भर के फाजिलका तो अगे जो हड़ पीड़ित परिवार ने उन्होंने पठिया की सेवा रवाना करते हुए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाएं।